लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन बड़ी बात है चाहे उम्र कुछ भी है, लेकिन हमारे सभी बड़े बूढ़े चाचे ताऊ सभी डटे हुए हैं आंदोलन पे। और इस समय हम मौजूद हैं नरवाना टोल प्लाजा पे, नरवाना टोल प्लाजा पे बैठे हैं। कहीं ना कहीं तस्वीरें 26 तारीख के बाद अलग अलग एंगल से दिखाई गई या लोगों ने देखी कि कई जगह खाली हो गया है, कमज़ोर हो गया है। ये गोदी मीडिया का भ्रामक प्रचार था, कहीं कोई भी कमज़ोरी नहीं थी और बहुत ही अच्छे तरह से आंदोलन चलिया हुआ था। चाहे वह सिंगू बोल रहा है, चाहे गाजीपुर बोल रहा है, चाहे आपका टिकरी बोल रहा है, सभी जगह बहुत ही अच्छे तरीके से यूँ के यूँ लोग जमे बैठे। ये गोदी मीडिया का ही भ्रामक प्रचार था। 2 महीने से भी ज़्यादा का टाइम हो गया, हम पुरानी बात नहीं करेंगे क्योंकि रोज़ वही बात है, तीन कानून। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, वो कह रहे हैं कि किसानों ने ये कानून पढ़े नहीं, राजनीतिक पार्टियां गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तीनों कानून बिल्कुल बहुत ही विस्तार से पढ़ रखे हैं किसान नेताओं ने, और विस्तार पूर्वक ही यहाँ पे चर्चा होती है और हो चुकी है। जितने भी वक्ता आते हैं यहाँ पे, वो पूरा विस्तार से इन लोगों को बता चुके हैं। चाहे एक एक आदमी से पूछ लो, सारे के सारे आपको सही जवाब देंगे। आप पे बता दो कितना के कमी लग गया क्या? मैं कानूना में जो कह रहे हैं खट्टर साहब आज भी के गुमराह हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ठेके पर खेती चली जाओगी, हम दिहाड़ी करने वाले मजदूर साबित हो जाएंगे और छोटा छोटा किसान भी बिल्कुल मरण के कगार पर पहुंच जाएगा। अच्छा, बात सिर्फ किसान की हो रही है, मजदूर पे किस तरह का असर पड़ेगा इस चीज़? अरे, भंडारण वाली भी बात है, वो साथ की साथ ये भंडारण करेंगे तो मजदूर पे ये 2 रुपये किलो जो कणक लेने लग रहे हैं ना, ये बिल्कुल नहीं मिलेगी। सारा भंडारण तो मिलेगा, जो वो रेट निर्धारित करेंगे उसी रेट पर मिलेगा मजदूर को भी। इतने दिन का मैं भी कवरेज लग रहा हूँ करण, लेकिन एक बात मोटी मोटी सी समझ में आवा है, आप लोग तो खाम खाई आंदोलन कर रहे हो, जब सरकार खरीद नहीं करेगी तो उस गरीब आदमी को, उस बीपीएल परिवार को जिसके वचन देते हैं वो, हम आपको अनाज देंगे, भरपेट खाना देंगे, वो तो मिलेगा नहीं, फिर कैसे होगा? क्या नहीं मिलेगा? अनाज तो उसको मिलेगा नहीं अगर सरकार खरीद ही नहीं करेगी तो। फिर भूखे कगार पर चला जाएगा, किसान ने जाना हो रहा तो वो तो जाए ही जाएगा, इसमें क्या शक है? किसान पर आधारित है वो तो, किसान जब भंडारण उन लोगों के हाथ में चला जाएगा तो 100 रुपये किलो दियो, 200 रुपये किलो दियो और किसी भी तरह से दियो तो मजदूर तो मरेगा उसमें, निश्चित बात है। और हम तो मजदूर को साथ में लेके चल भी रहे हैं। मजदूर तो किसान पर आधारित है, जब किसान ही मर जाए मजदूर कहाँ से बचेगा? असर मतलब सभी पे पड़ेगा। हाँ, A to Z पे पड़ेगा। और डबल मरेगा। A to Z जो भी है किसान पर आधारित है, जब किसान ही मर जाएगा ना और क्या करेंगे? कानून, हाँ जी, ये खट्टर साहब जो आप प्रश्न कर रहे हो, ये खुद अनपढ़ आदमी है, इसको कानून के बारे में खुद ही नहीं पता। ये मोदी जी झूठी डिग्री ले रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता। ये कानून जो बनाए गए हैं, ये प्रधानमंत्री ने, सरकार ने नहीं बनाए हैं, ये अदानी अंबानी ने बनाए हैं। ये फैक्ट्रियों में जो इनको लगातार घाटा हुआ, जब देखा भाई केवल खेती में ही GDP का उधार हुआ है, पहले से इनकी नज़र पड़गी इस पर और ये गलतफहमी में पड़गी। इन्हें तो अवश्य आप ले लिया भाई, नोटबंदी कर दी लैग के लैंडा में, फिर GST लगा दी लैग के लैंडा में, महंगा हो गया सौदा, किसान समझे गया, ये भोला महकमा है, इसके अच्छा तो बात समझ में नहीं आती। और जो समझ में आ जाएगी इनके दिमाग में तो लिगड़ दी नहीं वह बात, ये भी किसान ना गए दिमाग में, या बात पूरी तरह से बढ़ चुकी है, समझ चुका है किसान सरकार की नीयत क्या है, सरकार चाहती क्या है, सरकार की ये सोच है। जैसे आपने क्वेश्चन 2-4-5 क्वेश्चन पूछे हैं आपने, जो ये केवल 1-2 चैनल ने जो छोड़ दिया, चलो ये खबर देने लग रहे हैं यूट्यूब वाले, निजे एक NDTV चैनल है और एक घंटा एक और बोल रहे हैं संदीप चौधरी, और वो भी मैं को रोंडी सी ला गया, कहीं चुंगी ला गया काटने, कदे करोने की बात छेड़ लिया, कदे पेट्रोल तेल की बात तेल है, कदे डीजल की छेड़ दिया, बेबेगा यार माँ हमने ला गया, वहाँ उस पर भी प्रेशर पड़ गया, वो ऐसा अब आसा हमने नहीं हो रहा है, हमारे वर्गे ने बिठा ले जाए। रही बात इन सिस्टम आ गई, छोटू राम एक बहुत किसान नेता हुआ था, यह मंडियाँ की व्यवस्था कंबाइंड पंजाब में हुई थी, पाकिस्तान में भी बसंत पंचमी बड़े अच्छे तरीके से मनाई जाती है, मैं आपने बताऊं, उसने वो व्यवस्था जो बनाई थी है किरली की ग्रह इनका बेबे कह रहे हैं उसे का देवता, उन्हें डाकुआ गलत जल लिया जो ज्यादा छोटू राम ने पहना चढ़ा था किरली इनका आगे ग्रह का, अरे फिर कांग्रेस बना होगा
ईब अगला नोट करके लीजे, अगला चुनाव लड़ेगा नहीं हो, और मन न्यू लगे कांग्रेस से लड़ेगा बरेंद्र सिंह, बरेंद्र सिंह, बरेंद्र सिंह की बहू, बरेंद्र सिंह का छोरा। तो इब्बी सांसद है। हाँ ये और तो रेंज आओ, सांसद और रेंज है, सांसद हम तो बढ़ने नहीं दे। तो देख लिया कांग्रेस भी टिकट अपनी बेबे के यार इन्हें देगी कांग्रेस भी, मैं तो ना बताऊंगा। तू बताओ यार, मतलब यह किसान आंदोलन हरियाणा की। फिर सुनो एक मिनट, चौधरी देवीलाल किसाना का नेता था, मैं तेना बताऊँ उल्टा काम हो रहा है। ऐ इसने नानके पे जामना था, वीरेंद्र सिंह ने दादके पे जाम रहा है, मैं तेना बताऊँ उसने दादके पे जामना था और नानके पे जाम रहा है, वो ठेकेदार शराबी उस वाला, मैं आपने बताऊँ बात। हाँ तो सिंह चटेला है ओ, ये बात मक्षाना मुद्दा ही और क्या है, जब वह विरोध नहीं कर रहे, मैं गल नहीं लग रहे, मैं आपने बताऊँ इससे बड़ा किसाना मुद्दा क्या होगा, ये किसानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, किसान आगे वोट ले जाते उसी, अरे सरकार में चिपक रहे हैं, ये भी इनका विरोध तो कराएंगे। उसके पिताजी दोनों को है, उसका इस्तीफा तो मेरी जेब मुझ तक बातों को नहीं बनती। क्या बननी क्या देखो नहीं ना मनो नहीं बनती जे मार में तो है जी हो आगे तो सरकार बनाए दिया जे ऐसे है बराबर में बैठ जाए जे बल्ले बल्ले नहीं हो जाए इबले टूटो नहीं जाए। राजनीतिक जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे उनका बाप मर जाओ, उनका बेटा मर जाओ, उनका जमाई मर जाओ, इनका कोई परवाह नहीं है, ना इन्हें चिंता है, इन्हें चिंता है वोटों की। अब यूपी में आंदोलन चुलिया है और बलियान गया था लाइक के पुड़िया पे, ये बेरा पट जाएगा भाई यूपी में, जब इनके वोट गए तो होंगे वोट गए तो होंगे जो ही मानेंगे ऊ नहीं मानते हैं। राजनीति नुकसान इन्हें दिखने लग गया, बता राजनीति नुकसान हो रहा है ना, पड़ेगा इसका सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। बंगाल तो जीतो, बंगाल में तो लटक लो ये रोज जो है मारेंगे इन्हें आर एस एस पुड़िया पे, और कौन बन देगा इन्हें। कानून की जहाँ तक चर्चा करा पे, हिंदुस्तान का एक स्टेट है बिहार, अगर ये कानून इतने बढ़िया होंगे 2006 में लागू करा था, आज वहाँ 1011 से में जीरी बिका है और जितनी मंडियाँ थी तमाम मंडियाँ समाप्त हो चुकी हैं। ताज़ा ये 6 महीने था अपने कानून जो अध्यादेश के बाद लागू कराया है, मध्य प्रदेश की चर्चा करा 40 मंडियाँ समाप्त हो चुकी 6 महीने में। मुख्य बात अगर हम चर्चा करें जो MSP की सरकार नहीं चाहती, जो 6% दाने खरीदे हुए भी आगे इनती लेने पड़े। जहाँ तक मजदूर पे इंपैक्ट की बात करो, मजदूर और किसान तो जुड़े हुए हैं, मैं मजदूर मजदूर की नहीं, जो छोटा व्यापारी भी जो मैं नरवाना उचाना जैसे शहरों में बैठे हैं उसकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत दुर्गामी प्रभाव पड़ेगा। अगर एक फार्मर 1800 में अपनी कोई फसल बेच के आता है, अगर कल वो 1200 में बेचेगा, उसकी आमदनी 400 रुपये घट गई, जो 400 रुपये उसकी थी वो बाज़ार में जाया कर दी, तो इसका इम्पैक्ट तो मजदूर पे, छोटे व्यापारी पे, हर किसी पे पड़ेगा। और जहाँ तक आपने सिंगू बॉर्डर पे संख्या की बात करी, हमने रणनीति बनाई है भाई आंदोलन लंबा चलेगा, और लंबा आंदोलन को लंबा चलाने के लिए गांव गांव में 10-10, 20-20 व्यक्ति कमेटी बनाई है, वो जाएंगे और आ जाएंगे। अगर कोई बड़ी मूवमेंट का निर्णय हमारा संयुक्त मोर्चा लेगा तो जैसे 26 जनवरी हाजिर हुई थी उससे भी बड़ी हाजिरी फिर दोबारा होगी। एक और बात बड़ी देखो मेरे को तो महसूस हुई भाई दुखदाई थी, एक वैसे बात कही गई थी कि भाई छोटू राम जी ने कहा भाई खान जोगे दाने राख के बाकिया आग लगा देंगे, आज कई किसान होड़ा मोड़ा अपनी फसल न बाण लाग रहे हैं। सर छोटू राम में ताकत थी, सर छोटू राम वो अंग्रेजों की बात थी, अंग्रेजों के टाइम में 6 रुपये मन गेहूँ बिके थी, जब छोटू राम नहीं आदेश कराया, जब वो वाइसराय ने ये बात नहीं मानी, छोटू राम 10 रुपये मांगा था, तब उसने ने कही थी भाई खान की फसल रह के बाकी समुद्र में डाल देंगे हैं या जला देंगे, मैं अपना बताऊँ उसमें दम था। दोबारा वापिस बुला लिया छोटू राम को वाइसराय ने, वापिस बुला लिया जे वो बोला भाई तने 10 दे देंगे, बोला ये 11 लेवांगे, मैं आपने बताऊं। और मैं मान 11 रुपये मान, और ये जो बातें हैं ये केवल आवेश में आगे कहीं निकल जाती है कई नेताओं पे, हम उस बात का आदर करते हैं जो 40 के 40 कमेटी को सदस्य जो करेंगे, और इस प्रकार से किसानों को हम नहीं कहूँ भाई इस प्रकार का कोई कदम ना उठाओ, फसल ने तो बोझ के रखो, फसल लींदे लींदे भी काम नहीं चल रहा परिवारों का, फसल जला के क्या लगवाएंगे, वहाँ दिल्ली में नाच कैसे पहुँचावेंगे, दिल्ली में आवांगे कि ये तो हो सकता है आंदोलन लंबा चले, ये तो 6 महीने 7 महीने हैं, अजीत सिंह ने वो 9 महीने आंदोलन चलाया, मैं आपने बताऊं बात ये ऐसी बात नहीं है, इसका तो हमें विरोध कर रहा है इस बात का, तो
इस बात का तो आप अपील कर सकते हो, अपील करा किसाना पे बार बार भाई, ये किसी के कहने से इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठा हुआ है। मैं बात उन्हें की मानांगे जो 40 कमेटी जो सदस्यीय कमेटी है वो जो फरमान जारी करेंगे, वह हमने श्रीमाता है ऐरा वगैरह नत्थू वगैरह कोई आदमी पर्सनल अपने लेवल पर कुछ कह रहे हैं जे, उसकी हमें कोई बात की ननिहारी लंबी चौड़ी सुनाई नहीं करती। चलो बहुत सारी बात होगी मास्टर जी, दो बात आप भी कहो। हाँ जी बोलो, क्या कहना है आंदोलन को लेके, जो उसके बारे में पूछोगे वही बताएंगे। आप प्रश्न करो, आप आंदोलन को लेके अब क्या सोचते हो, क्योंकि इतने दिन हो गए बैठे हैं, अब आगे की किस तरह से सोचते हो, तैयारी किस तरह की? जो ये सरकार पॉलिसियां लेकर के आई, पिछला जो सेशन था उसमें स्वामीनाथन तक लेकर जितने भी कानून उन्होंने पास करे लोगों ने सहमति से पास हो गए, आज उसमें सरकार में बू होगी कि ये तो बोलने वाले नहीं हैं। इस सेशन में इन्होंने ये कानून लागू करे, काले कानून लागू करे, भाई वे इसी तरह लागू हो गए, लेकिन कमी मारे भारत के लोगों की यह रही कि उससे टाइम विरोध होना चाहिए था। स्वामीनाथन योग का रिपोर्ट लागू ना हुई, GST ला दिया और नोटबंदी थी और जितने भी कानून लेकर आए उन पर सहमति ले ले, चाहे हमने विरोध नहीं कराया लोगों ने, उसका नतीजा है कि आज हमने बहुत सख्ती से और बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ रहा है और इसका सरकार पर वही पछली बात को देखते हुए ये गौर नहीं कर रहे। अब भी किसान को या आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं और उसी तरह से जिस तरह से मोनोपोली 5 साल में पाछा चली उसी तरह से मोनोपोली चलाना चाहते हैं, अपने कानूनों को पास करवाना चाहते हैं, अंडानी अंबानी और कॉरपोरेट ग्रहणों को जो है सारा देश को बेचना चाहते हैं। इसकी ये मनमर्जी नहीं चलती, हम तीनों कानूनों को जब तक वापिस नहीं हो जाएंगे वापिस नहीं आवाएंगे बिल्कुल, और MSP लेके ही रहेंगे मजबूती। अमित शाह तो कह रहे थे तो पॉसिबल ही नहीं है MSP, तो जो अपने किसान एकता मोर्चा के सदस्य उनके घर गए थे जब ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी थी, तो यह बात लई कुकर पड़ेगी। ये कौन है अमित शाह, जब ये रवे नहीं गे, जब ये रवेंगे तभी तो निकला बात होगी, ये तो रवे ही नहीं गे, ये तो कानून रद्द भी करके भी नहीं रवेंगे, रद्द करे बल से भी नहीं रवेंगे, इतने तो तख्ता पलट करना बात है, पलट गया तख्ता तो इंतजार है बंगाल के नतीजे देख लियो आप, जहाँ इतना जोर प्रसार हो रहा है आप बंगाल के नतीजे बता देंगे, आप पंजाब के नतीजे ने बता दिया, बाई इलेक्शन चुनाव होंगे सारे देश की पब्लिक। हरियाणा में एकमात्र एक बाई इलेक्शन हुआ था बरोदा का, उसमें भी ये थोड़ा सा कानून भी को नहीं दे, ये तो जमान जब्त करा है इनकी। दिखा दिया जी, पंजाब ने ट्रेलर दिखा दिया इस बात के बारे में, ये डेमोक्रेसी देश है, डेमोक्रेसी का मतलब समझो आप जनता की राय, जब जनता की राय नहीं ली इन कानूनों में, लोकसभा में तो पास कर दी, राज्यसभा में चर्चा नहीं कराई इनके ऊपर, ये तो डेमोक्रेसी का तो मतलब ये है, डेमोक्रेसी के हिसाब से हमें धरना पर भी बैठ सकते हैं, और डेमोक्रेसी के हिसाब से जो उन्होंने दीवार निकाल रखी है नहीं, किले लगा रखे हैं, तारे लगा रखे, वो लगा नहीं सकते डेमोक्रेसी देश के अंदर। दो बात इन मोदी जी विश्वनाथ प्रताप सिंह इतिहास पढ़ लेने बोर्ड के दोबारा नाम नहीं ना तेरा आवेगा। मुझ पे ना क्या दिया बात है। आपने सरकार के दिमाग में एक गलत फहमी है, पिछला जो 6 साल का करियर का द्रव्य आंदोलन को लंबा कर दे और तोड़ देंगे, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश राजस्थान पंजाब और यूपी की बात करा, ये लगातार आंदोलन बढ़ रहा है और इसमें सिर्फ कृषक समाज नहीं बाकी समाज के लोगों की भी धीरे धीरे हाजिरी बढ़ रही है। अगर आप एक दो दिन पहले सिंगू बॉर्डर या टिगरी बॉर्डर पर गए तो हमने परमानेंट अपने स्थापित वो मकान बना लिए। उन्होंने सर्दियों में शुरू हुआ था गर्मी वाली तो बदल दिए, ट्रैली ट्रैक्टर कर आए गए, छैन गए हल्दी 40-40 फुट की लंबी, कूलरा का इंतजाम कर दिया, बिजली कैसी बाल देगा, AC भी लावांगे, हमने दिक्कत थोड़ी होगी मैं उनके बड़े बड़े बैटरी रख दिए, AC लगा दिए, बोर लगा दिए, नहाने धोने की जगह व्यवस्था बना दी, सारी की सारी परमानेंट काम कर दिया, लट्टू लगा दिए, लड़ियां लगा दी, ऐसा जी उन्हें ठंडे बिठा देगा उस, और कहना भूखे मरे गए उस मोदी भूपेंद्र जलेबी खाओ रे बैठे। हाँ वो भी देसी की आपने क्वेश्चन कराया था के नाम टिकैत साहब ने ये कहा फसल को जला देंगे, आज इसी मंच से मैंने अपने स्पीच में भी कहा, हमारी कमेटी का भी फैसला हो लिया, 64 गांवों के जो टोल प्लाजा चल रहा है
भाई कोई किसान के फसल को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाएगा। हम स्टॉक करेंगे, अगर कमेटी का फैसला है निचवालीस का ये हमारी मांग भेज देंगे वहाँ ऊपर। भाई आने वाले टाइम में अगर आंदोलन चला हम एक अनाज एक दाना भी अनाज का नहीं देंगे सरकार को, अपने घर स्टॉक करेंगे। ये तैयारी कर ली है, देखो मैं नहीं, यह पूरी की पूरी तैयारी है, पूरी प्लानिंग है, मौके पर आया बस है बेरा पट जाएगा, पहले वो आउट ना कराओ ये सब दे करांगे के इनका गला के करांगे। सुनाने तो थामो खरीदेगा क्यों नहीं, नहीं खरीदने वाले तो घर लाइन लगेगी। हाँ इन दुकाना में कौन जाओ सीक्रेट पॉलिसी थी। हाँ घर लाइन लगेगी। अच्छा एक मिनट जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आज हम इस आंदोलन पे बैठे हैं ना, इसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमने मोदी को ही भगवान मान लिया था, उसने जो जो आदेश दिए ना हमने वो सब माने। जैसे कि नोटबंदी की तब कोई आंदोलन नहीं हुआ, GST लागू किया तब कोई आंदोलन नहीं हुआ, और उसके बाद कोरोना के लिए थाली बजवाई, सभी ने बजाई सुबह घर के ऊपर खड़े होके, सभी ने लाइटें बंद करी, उसने इसे मतलब ऐसे ऐसे ऑर्डर पास किए जो हमने सब ने माना। उसने सोचा कि मैं तो भगवान बन चुका हूँ, और भगवान बनने का रहा अब ये 3 अध्यादेश भी ले आया, उसने सोचा ये भी मेरे मान लेंगे, ये ज़मीन भी मेरे को फ्री फंड में दे देंगे, कोई भी किसान या कोई भी देश का मजदूर या किसान नहीं उठेगा इसके ऊपर। लेकिन देश के किसानों के जो बच्चे हैं ना वो इस चीज़ को समझ चुके हैं, उन्होंने इस चीज़ को समझा चुका है। सोचने की बात है यार, देश का प्रधानमंत्री और देश के जो सांसद है वो तो हमें कृषि के बारे में बताएंगे, और जो हमारे बुजुर्ग जो 60 साल से कृषि कर रहे हैं अपने हड्ड काले कर लिए, इनको कृषि के बारे में फ़ायदा नहीं है कि किस चीज़ में फ़ायदा है, क्या चीज़ उगानी है, हमने कब उगानी है, जिनको ये नहीं पता कि बरसीन कब उगती है, कणक कब उगती है और कब कितने पानी में कणक पैदा होती है तैयार होती है, वो तो हमें कहते हैं कि कृषि कानून के बारे में इनको कुछ पता नहीं है। देश के नेता और जो बीजेपी वाले लीडर कहते हैं कि कांग्रेस ने गुमराह कर दिया, कांग्रेस की सीटें तो सारी 40 हैं, वो कैसे गुमराह कर देगी, गुमराह तो बीजेपी वालों ने किया था ना, जिसके कारण वो 300 सीट ले गए, 300 सीटों वाला राजा की तो मान नहीं रहे, और बीजेपी जो कांग्रेस की 40 सीटें उसके हम आज मान रहे हैं और उसके साथ लग गए, सोचने की और शर्म की बात है। सब चीज़ें कांग्रेस पे थोप रहे हैं जबकि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हमारे मैं तो एक और कहता हूँ, हमारा आगे हमने हमारी जो सभा है किसान समिति उसके अंदर 2-3 मुद्दे और रखे थे कि एक तो बैंकों के अंदर जो पैसा रखा है वो हम सब निकाल लें, किसान भाई सबसे बड़ी इनकम सोर्स वो है, हमारा पैसा ही घूमता है देश की अर्थव्यवस्था में। दूसरा जो बिजली के बिल है वो बंद कर दो बिल्कुल देने, और तीसरा हम कहते हैं जो टीवी न्यूज़ चैनल है जो नेशनल मीडिया है एक साल के लिए सभी टीवी न्यूज़ चैनलों को ताला लगा दें, ठीक है, क्योंकि TRP वहीं से मिलती है और वहीं से पैसा आता है इनको। जब इनकी कमर टूटनी शुरू हो जाएगी ना, जब टीवी न्यूज चैनल वालों की कमर टूटनी शुरू हो जाएगी उस दिन अपने आप मोदी से पीछे हट जाएंगे, भाई हमको तो लॉस हो रहा है, हम आपकी नहीं, हम बल्कि देश के लोगों की और जनता की कवरेज दिखाएंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें कर लो, नहीं तो भाई ऐसे ही गुमराह करते रहेंगे, ऐसे झूठ बोलते हैं। हम आतंकवादी, हमारे जो भाई बॉर्डर पर बैठे हैं वो भी तो हमारे भाई हैं, किसान के बेटे हैं ना, वो आतंकवादी हैं क्या, हैं? उनके माँ बापों को ये आतंकवादी बोल रहे हैं, उनके भाइयों को आतंकवादी बोल रहे हैं, मोदी की सुरक्षा में 250 सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, वो भी तो किसान के बेटे हैं, फिर आतंकवादी है तो छोड़ दो उनकी सेवा लेनी, किसी अमित शाह के लड़के को लगा ले अपने सिक्योरिटी पे, राजनाथ के लड़के को लगा ले, चल आपके तो लड़का नहीं है, आपके तो लड़के 2 बन चुके हैं मोदी जी के, अडानी और अंबानी 2 लड़के हैं मोदी के, जो कहते हैं ना इनका कोई बच्चा नहीं है, 2 बच्चे हैं, और तीसरा वो पौनी दो आंख वाला बाबा, तीसरा वो गोद ले लिया इन्होंने, इसके हो गए 3 बेटे, अडानी अंबानी और पौनी 2 आंख वाला रामदेव बाबा, ठीक है। अब उन तीनों का एक भी जवाब नहीं आता, वो सब मिले हुए हैं, पहले अन्ना हजारे ने आंदोलन किया कांग्रेस के राज में, अब वो अन्ना हजारे कहाँ है, कहाँ चला गया, वो देश का रक्षक बना हुआ था, ये सब एक प्लान था इन्होंने, कांग्रेस को हटाना था और इन्होंने आना था मीडिया के साथ, और देश के 2-4 थे ना जो समाज से भी बने हुए थे उनके साथ मिलके कांग्रेस को खत्म करना था और इन गुंडों को पाकना था। ये 70 साल से बाट देख रहे थे कब हमारा राज आए, कब हम देश को लूटें और लूटने के बाद देश को दोबारा से गुलाम बनाए, आज इन्होंने अडानी अंबानी का गुलाम बना दिया देश का। रामदेव बाबा आटा 40 रुपये किलो बेच रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना मजदूर वर्ग पर क्या फर्क पड़ेगा, 19 रुपये लेके आटा और 40 रुपये बेच रहे हैं, क्या लगा देता है रामदेव ऐसा, और जब अडानी बन के हाथ में चला जाएगा ना रोटी बिकेगी, रोटी आटा नहीं बिकेगा, रोटी में बिकेगी, एक रोटी 50 रुपए की ऐसे बिकेगा, उस दिन मजदूर वर्ग कैसे खरीद लेगा इन चीज़ों को, सोचने की बात है। सभी पे फर्क पड़ेगा, हर वर्ग पे फर्क पड़ेगा, और इस सभी का आंदोलन है कि एक जाट वर्ग का एक किसान वर्ग, हाँ इसमें 36 जात आ जाती है, 36 जात का भाईचारे का किसान आंदोलन है ये, और सभी मिलके लड़के ये जीत के दिखाएंगे हम, और जीतेंगे, क्या बात है। और इसमें जैसे जमीन छीनी जाएगी, मजदूरों को तो और भी मजदूर बनना पड़ा, क्योंकि उन मजदूरों के साथ में हम मजदूरी करेंगे तो वो कहाँ बचेंगे। और मोदी जी आना, अब तो हमारे ट्रैक्टर वापस आएंगे, हम कणक काटने, मोदी जी सभी आ जाएंगे, लेकिन हमारे गौ माता भी वहाँ आएंगी, आपको दूध भी पिलाएंगे भैंसों का। हम
पलान बन रही है बेटा, तो चिंता ना करे। ये जो छोरे जहरे जवान है, अरे सब तो देख ले, चाकी चूल्हे से उतरे सारे, दिल्ली मिलेंगे सारे ये बूढ़े सारे। हमें 5 अप्रैल न जावांगे, और ये 5 अप्रैल दे दिल्ली में जवान छोरे ने सारे ने करांगे हिल जाएंगे। और 20 दिन में तूड़ी तपेगा गेहूँ का सारा काम करके बह के समेर के, और फिर हमें आ जाएंगे। और फिर जीरी लाने का टाइम आऊगा, प्यौत ब्याह देगा, फिर इन्हें कह जाएंगे हमें बिक जाएंगे। ये तो परमानेंट हो रहा। लंबी लंबी लड़ाई की तैयारी तैयारी ये है। आप आओ, आप खुद बुलावागा, भाई सही बात तो यार, जो दिल्ली बैठे हैं और जो टोल पे बैठे हैं, बैठे जावा दिल्ली देख ली हमने तो, 40-40 फुट की ट्रेली तैयार हो रही है, बेड लग रहे हैं। टाटी जार जार रुपया में मिन कोनी पांदी, मैं जुन की दोसे दोसे की आमदी बार साल टाटी जार जार में भी नहीं पांदी। आगे बात समझ में, हाँ कितना बांस और टाटी कितनी महंगी। पहला तो करा जड्डा की तैयारी पूरी बढ़िया तैयारी कर ली, फिर आमी फिर प्लास्टिक लागा उसकी तैयारी कर ली, ई बाकी गर्मी भी उसकी और तैयारी होगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई माखी की माच्छर की कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी प्लान है, प्लान से चला। सारे मौसम में तभी लिख लिए सरकार से, तो टाइम तो मान जे ना, तो थम तोल देनी। नहीं नहीं नहीं, वो प्लान वाले हैं, मैं बताऊँ बात, पूरे डिलीवरी है, जेरे आ रही है, मैं मटान डी आने वाली हो रही है, कोई मतलब नहीं। वो है 10 सीट तो हरियाणा की, 13 सीट पंजाब की, को फर्क नहीं पड़ता। अरे यूपी में के बनाएगी, यूपी में हाँ पीछे में उत्तर प्रदेश में के बनाएगी, हाँ उनके बने बनाए एमपी एमएलए बात जाएंगे, तो जुगुर्द कांग्रेस के बात जाए नहीं, यही बात जाएंगे, इनके एकदम में बात जाएंगे। 4 साल ना तो हरियाणा की चलती, ना सेंटर की चलती। अरे हरियाणा में तो हुए गठबंधन की चल रहे हो, थारे एरिया का है ना मुख्यमंत्री, कह दो लिया जामना कटवा थार जाम क्या कड़े। हाँ बेटे एक देसी गुरु रख बता दियो, और कहा तार माणी कहानी में चाहे तो सुन ले रहे दिन में, चाहे सुन ले भाई 2 मिनट में, बाकी बात हो रहा है। जनता ने बिठाई होगी बीजेपी वाले ही कुर्सी पे, और जनते तला गेट दे गिनती 2024 तो अगे टप्पल नहीं देती अगे। जेंगे पहली बाजी सिंह कह रहे दुश्मन का एक मिनट हरी थी नीरव मुख्तार सिंह था जो जनसंघी कागज दे भी आज उठा नाथ हो गई है। नहीं आप कह रहे थे कि अजय सिंह कह रहे कि दुश्मन का इस्तीफा मेरे जेब में है, वो जेब में ले फिर जो दिन दो नहीं मैदान में आओ। हाँ जेल में वो इस्तीफा लेके तो जेल में जा लिया, और वो दुष्ट फिरे उरे रोंदा। कोई नहीं जी, ये थे देखो नरवाना टोल प्लाजा का किसान आंदोलन जो कि डटे हुए हैं, और पूरी भीड़ है। मेरे ख्याल से ये जो अपने पुरुष हैं इनसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, और बॉर्डरों पर जिस तरह से इन्होंने आगामी रणनीति बता दी, गेहूँ कटन का टाइम आओगे ये चले जाऊँगे, जवान बाड़क आ जाऊँगे और फिर वह चले जाऊँगे, मतलब लंबी तैयारी किसानों ने कर दी है। अब ये सरकार को सोचना है ये तैयारी छोटी किस तरह से करानी है, किस तरह से कितनी जल्दी ये कृषि कानून जो किसानों को काले कानून लगते हैं इनको रद्द कराना है। नरवाना टोल प्लाजा से शाहिद खान के साथ अरुण कुमार।